महिला सिलाई प्रशिक्षण का शुभारंभ। महिलाओं को निःशुल्क दिया जा प्रशिक्षण, माइनस 90 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद वितरण होंगे प्रमाण पत्र। बेरोजगार महिलाएं सीख रही सिलाई, विभिन्न संस्थान दिला रही प्रशिक्षण। हेलोना भरतपुर, बेरोजगार महिला एवं किशोरियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए लुपिन संस्थान द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जिसके तहत अनेक महिलाएं सिलाई सीख रही है और सिलाई मशीन के रखरखाव के गुर लुपिन फाउंडेशन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता का लक्ष्य है कि भरतपुर जिला में कोई महिला पुरुष बेरोजगार नहीं रहे। परिवार की आर्थिक हालत मजबूत तथा रोजगार के लिए लुपिन ने अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है। वैर भुसावर तहसील के एक दर्जन से अधिक गांवों में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है और प्रशिक्षण के बाद सिलाई में मशीन उपलब्ध कराई गई। महिला जिला कार्यक्रम प्रभारी पुनीत वर्मा की देखरेख में सिलाई प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। बेरोजगार महिलाएं प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने पर लुपिन फाउंडेशन परिवार तथा लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता की सराहना करती है। वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से वैर कस्बे में सीताराम जी मंदिर के यहाँ पर गरीब महिलाओं के लिए सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 25-30 महिलाएं घाघरा, सिकनी, तू, पेटीकोट, ब्लाउज, बुरसट आदि चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जिसमें बहुत सी महिलाओं ने काफ़ी अच्छी तरीके से सीख भी लिया है और इनको बाद में पट्टा दिया जाता है। इस चीज़ सीखने के बाद 3 महीने तक ये कोर्स चलता है, जिसमें बिना भेदभाव किए 25-30 लड़कियों को सिखाया जाता है।